तो गाइस यार ब्रेक लिया हमने ब्रेकफास्ट के लिए। अपना पतनीटॉप वाली रोड से हम बाहर निकल आए हैं और श्रीनगर वाली रोड हमने पकड़ लिया। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, उस साइड पे ना वहाँ पर टनल है। तो गाइस यार ये देखो लैंडस्लाइड होने की वजह से ये यहाँ पर ना जाल बिछा रहे हैं। तो गाइस यार फाइनली एंटर कर चुके हैं हम श्रीनगर में और देख सकते हो आप यहाँ के सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल पहाड़। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, की हालचाल। तो गाइस जो कल अधूरा रह गया था सबसे पहले वो पूरा करता हूँ, जो आपको रूम दिखाना था क्योंकि मैं सो गया था, लेकिन जल्दी नहीं सोया था गाइस, 2 बजे मैं सोया था, एडिटिंग वगैरह कर रहा था। और एक चीज आपको बता दूं, ये देखो पहले रूम देख लो, मैं देखो पाजी आ गया। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बढ़िया, सुनाओ? बस बढ़िया बढ़िया। मैंने कहा रूम दिखा दे, तो ये देखो यार गाइस, ये है जी अपना रूम और यहाँ से दिखता है बाहर का सारा प्रॉपर व्यू। रात को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अभी आप देख सकते हो क्या यहाँ पर मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी है प्रॉपर, सारा चारों तरफ से ये ऐसे पेड़ों के साथ ना कवर अप है। ये देखिए अभी रेडी होने के बाद नीचे जाऊँगा आप सबको लेकर। तो गाइस अब सबसे पहले हो जाता हूँ रेडी और उसके बाद फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस रेडी होके आ गए हैं और कर दिया है हमने चेकआउट। भैया गए हैं ऊपर लगेज लाने के लिए। ये था अपना कॉटेज और वो उस रूम में थे हम। अभी वहाँ का सीनरिक व्यू बहुत अच्छा है, मैं आपको उधर लेके चलता हूँ। और गगन तो गाड़ी स्टार्ट करके इधर आ भी गया है। चलो ये तब तक लगेज वगैरह रखवाता है, मैं आगे से होके आता हूँ। हैं तो गाइस यार बैठ गए गाड़ी में और जो कल रात को अधूरा रह गया था, कोई सीन हम कैप्चर नहीं कर पाए थे आप लोगों के लिए और आपको नहीं दिखा पाए थे कि यहाँ का जो इंटरनल पार्ट है वो कैसा है, वो अब आपको हर एक चीज़ दिखाई जाएगी। तो गाइस यार ब्रेक लिया हमने ब्रेकफास्ट के लिए। अपना पतनीटॉप वाली रोड से हम बाहर निकल आए हैं और श्रीनगर वाली रोड हमने पकड़ लिया। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, उस साइड पे ना वहाँ पर टनल है और वहाँ से हमको होना आता है राइट की तरफ। रात को हम हुए थे राइट और फिर वो पतनीटॉप वाली वो सड़क जो जा रही है ना, वो पतनीटॉप की सड़क है ये वाली। अभी वहाँ से ये वाला ये बाईपास पड़ता है और यहाँ पर हम ढाबों पर रुके हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए। और वो जो सारा आपको दिखाई दे रहा है वो श्रीनगर का ही है। तो बस यार अब उधर हमको पहुंचना है, पहले कर ले नाश्ता ताकि थोड़ी एनर्जी हम में आ जाए, ठीक है ना, तभी आगे जा पाएंगे। तो नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं गाइस सीधा वहाँ के लिए। मेरे ख्याल से 4 घंटे और लगेंगे और वहाँ पे पहुँच जाएंगे। स्वेट शर्ट मैंने पहन ली है क्योंकि वहाँ पे तो पतनीटॉप में तो ठंड थी, लेकिन यहाँ पर देखो धूप निकली हुई है, सूरज देवता जी कितने बढ़िया निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी इसमें गर्मी वगैरह नहीं लग रही है, मौसम यहाँ पर अच्छा है, तो स्वेट शर्ट एक चल सकती है। तो चलिए अब चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो गाइस यार फाइनली अपना ब्रेकफास्ट आ गया, गोभी परोठा साथ में है जी राजमा के दाल, साथ में राजमा और थोड़ा सा दही और गगन अपनी फेवरेट जगह के बिल्कुल आके बैठा हुआ है। तो गाइस यार ये देखो यहाँ पर कितनी लैंडस्लाइड हुई पड़ी है और वो वाली साइड पे इन्होंने रोड कर दी है बंद। और ये देखो सिंगल रोड पे हम जा रहे हैं गाइस, काफ़ी इसकी वजह से ना दिक्कत हो रही है। 15 मिनट हो गए, गाड़ी धीरे धीरे जा रही है क्योंकि रश देख रहे हो आप कितना पड़ा हुआ है, क्योंकि उस सड़क पे काफ़ी लैंडस्लाइड हुई है। रात को मैंने भैया से पूछा तो अभी वो साफ करने लगे हुए हैं सब कुछ। तो गाइस यार ये देखो लैंडस्लाइड होने की वजह से ये यहाँ पर ना जाल बिछा रहे हैं ताकि पत्थर जो है वो नीचे के नीचे रहे। और ऊपर से ये ठोका हुआ किलो को, ये शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, वो देखो वो भी जाल पड़े हुए हैं। यहाँ से काफ़ी लैंडस्लाइडिंग होती रहती है तो इसको इन्होंने अब ये जालों के साथ किया है कवर ताकि पत्थर अंदर के अंदर ही रहें। लेकिन यार पत्थर तो फाड़ के भी आ सकते हैं। नहीं, फाड़ के। अबे जाल फाड़ के और क्या। तो यार भाई लोगों सड़कों का तो काफी बुरा हाल है। 2 साल पहले आए थे तब भी ऐसा था, 2 साल बाद भी वही है, कोई सुधार नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन तब भी चल रही थी, कंस्ट्रक्शन अब भी चल रही है, लेकिन पता नहीं लग रहा कि क्या इन्होंने 2 सालों में काम किया है। तेरे को क्या चेंज लगा भाई? यार जो नई सड़कें हैं वो तो बनी है, ठीक है ना, जो बना रहे थे। नहीं नहीं, पिछली बारी जब हम आए थे तो ज्यादा बढ़िया थी रोड, इस बारी और बदतर हाल किया हुआ इन्होंने। यार एक्चुअली बताऊंगा जो रोड बनी हुई ना उसमें हमारा ध्यान नहीं जाता और जो बना रहे हैं उसमें फोकस ज्यादा हो रहा है। तेरा ध्यान तो जाता है भाई कुछ और ही चीजों पर। भाई अभी सामने ना केले लगे हुए थे, कहता लेके आता हूँ मैं। नहीं नहीं देखो भूख लगी थी। हाँ, ये देख ओ ये एक्सीडेंट हुआ है यार, इधर देखो क्रेन आई है यार उठाने के लिए। तो अभी तो यार इतना ट्रैफिक लगा हुआ है, कहीं ना कहीं कहीं रोड की दिक्कत है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो लो जी एक टनल और आ गई है, टनल बहुत ज्यादा आई है। रात को जो एक टनल आई थी वो सबसे लंबी थी। पहले दूसरा रास्ता जो नीचे जा रहा है, ये टनल नहीं बनी थी ना, अभी यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा पड़ेगा ना रास्ते का। बहुत बढ़िया टनल्स बना दिए हैं भाई लोगों, लाइटें भी प्रॉपर लगी हुई हैं। देखो अपनी गाड़ी की लाइट ऑन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आराम से आप चलाओ। सामने से भी देख लो जो गाड़ी आ रही है, किसी ने लाइट ऑन नहीं की, इसकी काफी रोशनी इन्होंने की हुई है अंदर, इसको कम दिखाई देता है इसलिए इसने छोड़ी है। लाओ जी आ गए टनल से बाहर। अच्छा एक चीज है, जब हम एक टनल से बाहर की तरफ निकलते हैं ना एकदम सारा व्यू चेंज हो जाता है ना। तो भाई लोगों यार एंटर कर चुके हैं बनियाल वाली टनल के अंदर और देखो क्या बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है। देखो एग्जॉस्ट लगे हुए हैं साइडों पर ताकि जो गाड़ियों का जो पोल्यूशन रहेगा उठा के फेंकेंगे ये बाहर। बाकी टनल बहुत बढ़िया गाइस, मजा आ गया। गाड़ी चल रही है अभी 70 की स्पीड पर। तेरी नींद पूरी हो गई? हो गई। अच्छा सोता बड़ा यार तू, रात को क्या करता रहता है? रात को भी सोता हूँ। इतनी नींद आती कहाँ से है यार, माइंड को रिलैक्स रखता हूं मैं। मैं 2 बजे सोया था रात को, एडिट करके सारा ब्लॉग। तेरे को इतना पता है? 2 बजे के सो के सुबह मेरे को तूने 8:30 बोला कि चल 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 रेडी हो, जबकि तू खुद रेडी नहीं हुआ। तो गाय से ली है अभी एक टी ब्रेक, क्योंकि गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, रश इतना ज़्यादा था। बिरयानी है कौन सी है? बिरयानी नहीं, चावल तो चिकन है, चावल और चिकन है, मटन है, मटन मटन चिकन कर दो, चावल कर दो। 1 मिनट बढ़िया ना है ना, हाँ थोड़ी थोड़ी टेस्ट करेंगे, एक दो में डाल देना चिकन और चावल, ठीक है सर। और हमको ना याद, हम पिछली बार भी जब आए थे ना इसी स्टॉप पे रुके थे, तो वो लोकेशन देख के याद आ गया। लास्ट टाइम ना गगन को पड़ गया था बहुत तेज़ प्रेशर और इधर उधर ना टॉयलेट ढूंढ रहा था, लेकिन उसको मिला नहीं। और उस साइड पे ना नीचे को जगह जाती है, वो नीचे गया था, वहाँ जाके वो फिर बैठा था, हल्का होके आया था। मेरे को आज भी याद है, और मेरे ख्याल से वो फ़ोटो भी मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है, लेकिन वो डाल नहीं ना सकता, बात ये है। गगन मैं बोल रहा हूँ, तेरी पिछली फोटो पड़ी हुई है, याद है तेरे को? नहीं डाल नहीं ना सकता, बात तो ये है। तो चलो यार, यहाँ पर चावल वगैरह खाते हैं, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद अपनी जर्नी करते हैं कंटिन्यू। तो गाइस यार फाइनली एंटर कर चुके हैं हम श्रीनगर में, और देख सकते हो आप यहाँ के सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल पहाड़। तो गाइस यार देखिए, खड़े हैं श्रीनगर के बीचों बीच, ये देखिए खूबसूरत वादियाँ श्रीनगर की, सामने पहाड़ देखिए गाइस बर्फ से ढके हुए। इन सब जगह पे हम जाने वाले हैं बहुत जल्द। और सामने साइड देखिए गाइस सूरज देवता जी जा रहे हैं अपने घर, और हम पहुंचने वाले हैं अपने होटल। अब मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में गाइस, बाय।